हमारे बंगाल में ममता दी दीदी 100% आएंगे हैं। 11 साल जो काम किया है वो काम के निरीख में हम बता रहे हैं। बहुत बहुत काम किया है, कन्याश्री, शिक्षाश्री, युवश्री, हाँ बहुत काम किया है हमारा दीदी, इसलिए 100% आएंगे हमारा दीदी। ये देखिए, ये जो चोरी, ये घोटाला, वो घोटाला बोलता है, ये मोदी सरकार का ये जो नेटवर्क है उसका, CBI, हाँ NI, ED, ये वोट का आगे ये काम चला रहा है। हाँ, हमारा वेस्ट बंगाल में जब भी वोट आता है, पंचायत वोट, विधानसभा वोट, लोकसभा वोट आता है और उसको वो काम में लगा देता है, ED को, CBI को लगा देता है। हाँ, ये भी छोड़ के कोई भी आया, ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, रेलवे प्राइवेटाइजेशन, रेल भाड़ा बढ़ना है, LIC बिक्री हो रहा है, ठीक है, और जितना बीमा कंपनी है बिक्री हो रहा है, इसीलिए BJP छोड़ के और कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हम कोई भी आ जाए मतलब कोई भी ABCD छोड़ के, मतलब BJP छोड़ के आना चाहिए दादा। बंगाल में BJP का ये एंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट दिन जो आ रहा है ना, ये सब बिक्री हो जाएगा, ऑलरेडी बिक्री शुरू हो गया है, ठीक है। और ये लोग जितना भी बोल रहे ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, 7 साल में अभी तेल का दाम है 160 रुपया सरसों तेल का, ठीक है। जब उन्होंने आए थे उस समय दाम था 75 रुपीज, जस्ट डबल। 2014 में सरसों तेल था 75 रुपीज, ठीक है। डीजल पेट्रोल का हाल जान ही रहे, डीजल पेट्रोल का जान ही रहा है। डीजल पेट्रोल तो हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग गरीब आदमी है, लेकिन इफेक्ट पड़ रहा है। बंगाली लोग पोस्तो खाता है, पोस्तो जानते हैं 1400 रुपया किलो है, कभी नहीं था आज तक कभी नहीं था। अभी देखिए BJP का कैंडिडेट जो घोषित हुआ ना, चारों तरफ में आग लग गया, माने BJP जो कर रहा था उसको नहीं दे करके, जो तृणमूल छोड़ के आ गया उसी को BJP में टिकट दे रहा, तो सबको दे, एकदम सबको दे रहा, गलत कर रहा है। जितना चोर है सब BJP ले रहा है, यह पैसा में हो चाहे कैसे भी हो, ठीक है ना। इसीलिए लेफ्ट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, TMC आ जाए कोई दिक्कत नहीं, माने BJP का पास इतना पैसा है, वो इतना खरीदता है। जब लॉकडाउन हुआ तो मध्य प्रदेश में BJP MLA खरीद रहा था, जब माने यहाँ से MLA ले करके हवाई जहाज में जा रहा है, और जब लॉकडाउन हुआ तो वैसे नागपुर से जितना बंगाली है वो लोग कैसे आएगा, ध्यान नहीं दिया। ममता दी आएगा बांग्ला में, ममता दी आएगा, ममता दी छोड़ के कोई नहीं आएगा, क्योंकि ममता दी ने 365 दिन, नो बीजेपी 15 लाख रुपया करके नहीं है। मोदी जी आएगा, मोदी जी तो दिल्ली में ही रहेगा, यहाँ पे कोई और और गुड़ा उकन है, टाल पला यहाँ छड़ा जाएगा, बंगाल में आ जाएगा, मोदी जी आ जाएगा बंगाल में, और ममता हट जाएगा, काम नहीं कर रहा है ना, इसलिए कुछ नहीं काम कर रहा है, शुद्ध धंधा करता है, उसका जो आदमी है सब विचार उल्टा करता है, जार गोरु धान खाया तार का विचार करते, भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है, और उसको आदमी लोग है वो भी भ्रष्टाचार है। देखिए अभी बंगाल में ही ममता दीदी ने 10 साल है, और 34 ईयर जो बामफोट था वो बंगाल को बर्बाद करके चला गया था, खून खराबी, लूटपाट, आदमी लोग का कोई किसी को बोलने नहीं दिया, किसी को सब छीन लिया, किसी का घर बाड़ी जला दिया था। लेकिन दीदी आने का बाद बंगाल में धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है, और 54 आपका जो प्रकल्प लेके आया है गरीब इंसान के लिए, सबको मिल रहा है। और आपका देखिए जितना आपका मोदी जी ने बताया था कि हम लोग क्षमता में आने से हम 2019 में आएंगे, और हर इंसान का बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपया जो काला धन लेके आएगा उसको हम देगा। दूसरा बात है, आप देखिए जब मनमोहन सिंह जी का जो पीरियड में 2014 का बाद गैस का दाम कहाँ आ गया, 800 रुपया का गैस का दाम हो गया, जो बोलता है उज्ज्वला गैस हम घर घर में दे रहा हूँ, लेकिन वो जलने का खरीद करने का पैसा ही नहीं है, यहाँ के 800 रुपया करके है। हम लोग दीदी ने, ममता दीदी ने बिना पैसा में चाल दे रहा, वो चाल हम क्या बोलता है उसको, जलाने के लिए
हम लोग के पास गैस का किलो खरीद करने का पैसा नहीं है। और एक बात है, पेट्रोल का देखिए सेंचुरी हो गया हर स्टेट में, हमारा भी यहाँ पे पेट्रोल हर 2-4-5 रुपया बढ़ाने से सेंचुरी हो गया।